हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक्स क्लब। दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूँ मैं योद्धा सीरीज़ की पहली आर्ट कॉमिक्स, संजय जी द्वारा प्रकाशित की गई। दोस्तों, देख सकते हो ये आर्ट कॉमिक्स हैं, महारथी, प्लेनकारी योद्धा, विजेता, डकमानधन, बलवा योद्धा, आक्रमण, खबरदार योद्धा। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं नंबर देख पा रहा हूँ सबसे छोटा, वो है योद्धा, फिर आक्रमण, और उसके बाद नंबर आता है बलवा का, महारथी, महारथी के बाद आता है नंबर प्रियंकारी योद्धा, भक्मानधन, विजेता और खबरदार योद्धा। तो दोस्तों, ये है हमारी सीरीज़ प्रॉपर। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरीज़ जो है संजय जी द्वारा प्रकाशित की गई है। इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, 100 रुपये पर कॉपी है ये, 100 रुपीज़ पर कॉमिक्स इसका मूल्य है। क्वालिटी में कोई इशू नहीं है दोस्तों, अच्छी बनाई है। चलिए देखते हैं अंदर कैसी है। कवर अच्छा है दोस्तों, लैमिनेटेड है, ओरिजिनल सेट डिटेल है, देख सकते हैं दोस्तों, मैट ग्लोसी है। दोस्तों, आप लोगों को मैट ग्लोसी और प्योर ग्लोसी का तो पता ही होगा। पीछे जलजला और आत्मा के चोर की ऐड है, पीछे मिस क्लब। आक्रमण सेम क्वालिटी है दोस्तों, मैट ग्लोसी देख सकते हैं दोस्तों, क्वालिटी कहानी बलवा में क्रमशः होती हुई, क्या ये आक्रमण में आई थी या ये समाप्त कर दी गई थी, ये भी क्रमशः है दोस्तों। योद्धा और आक्रमण क्रमशः हो रही है बलवा में, देखते हैं क्या इसमें ये कंप्लीट होती है। ओरिजिनल सेट डिटेल की ऐड, ये क्रमशः होती है महारथी में, 32 पेजों के बाद ये महारथी में क्रमशः हो जाती है। दोस्तों, महारथी ये भी आगे क्रमशः हो जाती है प्लेयंकारी योद्धा में। इतनी लंबी कहानी, मतलब इतने पार्ट्स में चलना, जैसे अशवराज की कहानी पार्ट्स में चलती थी, उसी तरह से ये कहानी भी पार्ट्स में चले ही जा रही है। ये योद्धा को यहाँ ऐसा क्यों दिखाया है, क्या ये ओरिजिनल वर्जन में भी किसी के पास अगर अवेलेबल है तो प्लीज़ बताइएगा कि ऐसा क्यों दिखाया गया है यहाँ पर योद्धा को, या इन्होंने ही किया है किसी कारणवश। पेचिस थोड़े चिपके चिपके से क्यों लग रहे हैं, इनका दोस्तों थोड़ा यही इशू रहता है, थोड़ा सा भी वाटर एलिमेंट अगर हवा में आए तो ये थोड़े चिपकने शुरू हो जाते हैं। ढकमानधन दोस्तों, ये भी आगे कंटिन्यू हो रही है, अभी तक ये सीरीज़ में एक ही कहानी चल रही है जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ढकमानधन देख सकते हैं दोस्तों। और ये विजेता में चली गई, अभी तक ये सिर्फ कंटिन्यू हुए जा रही है। विजेता में देखते हैं दोस्तों, क्या ये ख़त्म होती है या ये इससे भी आगे जाती है। विजेता में ये कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों, देख सकते हैं समाप्त है। और खबरदार योद्धा में आगे ये महाशत्रु पे क्रमशः हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इसे लेने का सोच रहे हैं तो आप इस तरह से लीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये कहानी विजेता योद्धा से शुरू होकर विजेता में ख़त्म हो रही है, और खबरदार योद्धा में अलग कहानी है। तो आप इसको अगर पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो आप चाहे तो इसे होल्ड कर सकते हैं ताकि आपका मजा ख़राब ना हो, इसको आगे आने वाली योद्धा की कॉमिक्स के बाद
आप चाहें तो महाशत्रु और आगे आने वाली कॉमिक्स के बाद उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फिर तो क्या ही बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज़ जान ही गए होंगे। बचपन में जब मेरे पास योद्धा की कॉमिक्स थी तो मेरे को यही सबसे बड़ा इशू लगता था कि ये इनकम्प्लीट कहानी रह जाती थी, मतलब हर बार अगले भाग के लिए वेट करना पड़ता था। उस वक्त इतनी सेट्स में नहीं आती थी, इस तरह से नहीं आती थी। उस टाइम हमारा जो सेट रिलीज़ होता था वो ऐसे रिलीज़ होता था, एक ही करेक्टर के मल्टीपल कॉमिक्स को रिलीज़ नहीं किया जाता था क्योंकि अवेलेबल नहीं थी, तब बन ही रही थी। तो इस वजह से इतना वक्त इंतज़ार करना थोड़ा सा अजीब लगता था, और काफ़ी ऑप्शंस होते थे क्योंकि महीने में एक या दो सेट आ जाते थे शायद, तो अगले सेट पे फोकस रहता था। और नागराज और ध्रुव का तो हमेशा ही फोकस रहता था उन पे। तो मुझे आज भी याद है योद्धा की कुछ कॉमिक्स थी मेरे पास, पर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, ये करेक्टर काफ़ी फैसिनेटिंग है, काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों हमारा तो रिव्यू रहेगा आपके लिए कि यही एक बढ़िया सेट है, इसमें आप इसको ले सकते हैं, इसमें मिस करने वाला कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा है ये सीरीज़। योद्धा बहुत अच्छा करेक्टर है, आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद था तो मैं तो अच्छा ही बोलूँगा, लेकिन जिन्होंने इसकी कॉमिक्स को थोड़ा बहुत पढ़ा है या जानते हैं उनको भी ये करेक्टर डेफिनेटली पसंद आया ही होगा। विनोद जी की चित्रकारी है। बाकी दोस्तों ये आपकी पर्सनल चॉइस है, ये कंप्लीट सेट जो आया है ये 800 रुपये का आया है, जो कि डिस्काउंट के बाद 720 रुपीज़ के आसपास अवेलेबल हो जाता है, और इस पे फ्री शिपिंग भी मिल जाती है दोस्तों, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इनकेस अगर नहीं मिलती तो आप किसी भी सेलर से आप कांटेक्ट करके ले सकते हैं। अगर आपको सेलर ढूंढने में कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेलर रिकमेंडेशन भी दे दूँगा। बाकी अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो या आप हमें अपने कोई सुझाव वगैरह देना चाहते हो तो आप प्लीज़ हमें ज़रूर दीजिएगा, आपके सुझावों का स्वागत है। हमारा काम अगर आपको पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके मित्रगण हमसे जुड़ना चाहें तो उन्हें हमें रेकमेंड कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।